Good evening and namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. My channel name is Asit Government Rule Guru. So today I will discuss one very important topic for government employees. It is new pension scheme. आज मैं डिस्कस करूँगा न्यू पेंशन स्कीम के बारे में. वी नो दैट दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जॉइंड ऑन 1 January 2004 एंड आफ्टर दैट दे आर एंटाइटल्ड फॉर न्यू पेंशन स्कीम. एंड व्हाट टाइप ऑफ बेनिफिट्स दे विल रिसीव फ्रॉम द न्यू पेंशन स्कीम देन आफ्टर सुपर एनुएशन, इट मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट, व्हाट टाइप ऑफ बेनिफिट्स दे विल रिसीव. Or if any government employee exit the NPS before retirement, then what type of benefits available for him? And basically for government employees, for how many times they can withdraw money from their share. So everything I will discuss in elaborate manner. आज मैं पूरा discuss करूँगा NPS के बारे में. मुझे लगता है पूरा complete knowledge आपको अवेलेबल होगा ये मेरा वीडियो में. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस एनपीएस कम्स इनटू ऑपरेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2004. अभी मैं बोला जो एनपीएस लागू हुआ वो 1 January 2004 और आफ्टर दैट जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो अभी एनपीएस स्कीम में है. इसी स्कीम के अनुसार उनको पेंशन प्राप्त होगा आफ्टर रिटायरमेंट. सो एनपीएस एप्लीकेबल टू ऑल न्यू एंट्रेंट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस. जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में है सबके लिए एनपीएस है, मगर आर्म्ड फोर्सेस को छोड़ के. ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है. सो all the central government employees, they are entitled for NPS except armed forces. इसमें two tiers है. so ये जो NPS में दो tier होता है, tier 1 and tier 2. इसके बारे में आगे मैं discuss करूँगा. तो Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA, the regulatory body for NPS, has appointed NSDL, National Securities Depository Limited, as central रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी फॉर एनपीएस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. तो पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये रेगुलेटिंग बॉडी है एनपीएस का. ये अपॉइंट किया है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड. जो एनएसडीएल एक्चुअली सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के आकार में है, वो सभी रिकॉर्ड, इट मीन्स ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ एनपीएस, इट मीन्स इशू प्रान परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर एंड ऑल द डाटाज एंड ऑल द रिकॉर्ड्स एक्चुअली मेंटेन बाय द नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड आज सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी फॉर एनपीएस. यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्चुअली इट मीन्स व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ द नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड एंड हु रेगुलेट द एनपीएस. ओके, सो एनपीएस रेगुलेट बाय द पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड एनएसडीएल को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के आकार में रखा गया है. तो ऑल द रिकॉर्ड्स एंड ऑल द डाटाज ऑफ एम्प्लॉइज कीप बाय द नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड. तो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के आकार में उसको रखा गया है. नेक्स्ट चलेंगे. क्रा, जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी बेसिकली मेंटेन बाय द NSDL, साल इश्यू ए परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर टू ईच सब्सक्राइबर एंड मेंटेन डाटा बेस ऑफ ईच परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट अलोंग विथ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू ईच प्लान. अभी मैं बताया तो क्रा का काम क्या है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी. ये जो पावर है वो NSDL के पास है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड के पास है. वो पूरा डाटा रखता है जो सब्सक्राइबर है, जो हम बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को सब्सक्राइबर बोलते हैं, और उनको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इशू किया जाता है. उनका जो पूरा डाटा रखा जाता है, जैसे डाटा में जो नॉमिनी है, पूरा डाटा जो जो है, पूरा ऑल द डाटाज एक्चुअली कीप बाय द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी एंड ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो इट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द क्रा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. देन NPS was made available to all citizens of India from May 1, 2009.
ये जो एनपीएस तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था 1 जनवरी 2004, और उसके बाद May 1, 2009 में ये सभी सिटीजन्स के लिए ये उपलब्ध हुआ एनपीएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो एनपीएस वॉज मेड अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम May 1, 2009। कोई भी उसका पैसा इन्वेस्ट कर सकता है एनपीएस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अलावा। तो ये ओपन हुआ May 1, 2009 में। आज ए सब्सक्राइबर बिटवीन द एज ब्रैकेट्स ऑफ 18 to 65 ईयर्स ऑफ एज, यू कैन प्रोक्योर योर प्रान एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम एनी ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर्स POPSP। तो जो ये जो एज है 18 to 65 एज के अंदर कोई भी NPS में मनी इन्वेस्ट कर सकता है, और उसको प्रान भी इशू होगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इशू होगा, और सम पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर्स है डिफरेंट एरियाज़ में, तो वो ये सुविधा देते हैं, NPS का सुविधा देते हैं, और वहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी POPSP में, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर्स में हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, हमारा डिटेल्स डाटा देंगे, और हमको प्रान नंबर प्राप्त होगा, और जो जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पर हमको पता चलेगा, और वहाँ पर हम NPS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर जो एज ग्रुप है 18 to 65, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। आज पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गेजेट नोटिफिकेशन डेटेड January 31, 2019, द सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स फ्रॉम April 1, 2019 विल हैव द ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग द पेंशन फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न इन टायर वन अकाउंट। ये जो April 1, 2019 के बाद ये पेंशन फंड मैनेजर्स, हम खुद जो सब्सक्राइबर है वो पेंशन फंड मैनेजर्स को चूज कर सकता है, और उसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न को चूज कर सकता है। उसका पहले डिफॉल्ट स्कीम था, कोई सब्सक्राइबर के पास कोई पावर नहीं था जो पेंशन फंड मैनेजर को चूज करना कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न को चूज करना, मगर April 1, 2019 के बाद एक सब्सक्राइबर का पावर है, वो उसका पेंशन फंड मैनेजर को चूज कर सकता है, और उसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न को चूज कर सकता है टायर वन अकाउंट में। ए सब्सक्राइबर कैन चूज एनी वन ऑफ द अवेलेबल PFS मीन्स पेंशन फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आज पर देयर चॉइस। ये चॉइस दिया गया है, द सब्सक्राइबर कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। फर्स्ट है स्कीम जी, यहाँ पर जो है 100% ऑफ कंट्रीब्यूशन विल बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो स्कीम जी है, तीन स्कीम है, इसको आप चूज करोगे स्कीम जी को, तो 100% कंट्रीब्यूशन किस में इन्वेस्ट होगा ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। सेकेंड स्कीम है LC 225, इट इज़ द लाइफ साइकिल फंड वेयर द कैप टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज 25% ऑफ द टोटल असेट। इसमें जो टोटल असेट का 25% किस में इन्वेस्ट होगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा सेकेंड स्कीम में। स्कीम थर्ड इज स्कीम LC 50, इट इज़ द लाइफ साइकिल फंड वेयर द कैप टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज 50% ऑफ द टोटल असेट। जो भी टोटल असेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा उससे 50% इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। तो ये जैसे तीन स्कीम है, इसी स्कीम से कोई भी एक स्कीम को चूज कर सकता है सब्सक्राइबर, ठीक है। पहले ये नहीं था, April 1, 2019 के बाद ये स्कीम अभी अवेलेबल है, सब्सक्राइबर चूज कर सकता है, मगर इसके पहले क्या था, जो डिफॉल्ट स्कीम था, सब्सक्राइबर के पास कोई राइट नहीं था स्कीम को चूज करने के लिए। देन देखिए, इससे कोई सपोज जो तीन स्कीम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया, सपोज इसमें हम चूज नहीं किए, इफ द चॉइस इज नॉट एक्सरसाइज बाय द सब्सक्राइबर NPS कंट्रीब्यूशंस विल बी इन्वेस्टेड इन द एग्जिस्टिंग स्कीम्स। ये एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ऑटोमेटिकली NPS का जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्वेस्टमेंट होगा। NPS कंट्रीब्यूशंस वुड बी इन्वेस्टेड इन द एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट स्कीम्स। सो तीन प्रकार का डिफॉल्ट स्कीम है, थ्री पेंशन फंड मैनेजर्स, जैसे LIC पेंशन फंड लिमिटेड, SBI पेंशन फंड लिमिटेड एंड UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये तीन स्कीम है डिफॉल्ट स्कीम, एक है और एक बार बता रहा हूँ कि LIC पेंशन फंड लिमिटेड, SBI पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड एंड UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड इन ए प्री डिफाइंड प्रोपोर्शन ऑफ 85% इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स एंड 15% इन इक्विटी एंड इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स। सो ऊपर में जो तीन स्कीम था, यदि सब्सक्राइबर उससे कोई स्कीम को चूज नहीं किया तो ऑटोमेटिकली जो NPS कंट्रीब्यूशन है वो इसी जो डिफॉल्ट स्कीम्स है ये तीन स्कीम में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा ना, 85% फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होगा और 15% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा।
ठीक है। नेक्स्ट वन, अभी हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो अभी हमारा क्या है, जो हमारा सैलरी से 10% डिडक्ट होता है, वो कैसे डिडक्ट होता है। इन टायर वन गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव टू मेक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ 10%। 10% कैसे होता है, जो हमारा बेसिक है प्लस डीए, और नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस बेसिकली डॉक्टर्स जो है उनको नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस मिलता है, तो ये तीनों ऐड होगा। ओके, एक्सेप्ट डॉक्टर्स, ओके 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डी, जो गवर्नमेंट डॉक्टर के अलावा जो मेडिकल प्रोफेशन में है उनको नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस मिलेगा, उनके अलावा जो भी है हमको बेसिक पे डीए मिलेगा, जो जितना बेसिक पे हमारा है और उसके ऊपर जो डीए मिलता है उस दोनों को ऐड कर दो, उसका 10% क्या होगा, ऑटोमेटिकली डेबिट होगा, वो क्या है, वो एम्प्लॉइज का शेयर है। ओके, एंड गवर्नमेंट विल मेक एन इक्वल मैचिंग कंट्रीब्यूशन, उतना ही गवर्नमेंट भी देगा, जो हमारा जो बेसिक प्लस डीए है उसका 10% डिडक्ट होगा, वो हमारी शेयर होगा और उतना ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट देगा। सो इट मीन्स जस्ट वी मस्ट रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्वेश्चन इज कमिंग 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। और ऐसा भी कोई क्वेश्चन में आता है क्या नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस इसमें इंक्लूड होगा, तो क्वेश्चन आता है तो वहां पर हम ओके एस करेंगे, क्योंकि नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस भी इंक्लूड होगा, मगर नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस जो है जो मेडिकल प्रोफेशन के लिए है, अदरवाइज बेसिक पे प्लस डी। तो उसका 10% जो एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन है वो डेबिट होगा और उतना ही कंट्रीब्यूट गवर्नमेंट करेगा। ये टायर टू अकाउंट कैन बी ओपन्ड ओनली आफ्टर द सब्सक्राइबर हैज ओपन्ड ए टायर वन अकाउंट। हमारा टायर वन अकाउंट ओपन होने के बाद हम टायर टू अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली टायर टू अकाउंट ओपन नहीं होगा। जब भी हमको टायर टू अकाउंट ओपन करना है हमारा टायर वन अकाउंट होना चाहिए। देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन विथड्रॉल्स फ्रॉम ए टायर टू अकाउंट। टायर टू अकाउंट में जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे कभी भी हम विथड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी हम पैसा उठा सकते हैं टायर टू अकाउंट में। और टायर वन में कैसे हम विथड्रॉ करेंगे आगे मैं बताऊंगा। ए सब्सक्राइबर कैन रिक्वेस्ट फॉर ए चेंज ऑफ स्कीम प्रिफरेंस वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर फॉर ईच ऑफ टायर वन एंड टायर टू अकाउंट। जैसे अभी बताया हम स्कीम प्रिफरेंस हमारे पास अभी राइट है, अप्रैल 1, 2019 के बाद सब्सक्राइबर खुद चूज कर सकता है कि कौन सा स्कीम को वो चूज करेगा, कौन सा पेंशन फंड मैनेजर को वो चूज करेगा और कौन सा स्कीम को वो चूज करेगा, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट पैटर्न को वो चूज करेगा। सपोज वो चेंज करना चाहते हैं स्कीम को, सपोज द पर्टिकुलर एम्प्लॉय वॉन्ट टू चेंज द स्कीम प्रिफरेंस, देन इट मीन्स ड्यूरिंग ए ईयर ओनली वंस ही और शी कैन चेंज द स्कीम प्रिफरेंस बोथ इन टायर वन एंड टायर टू अकाउंट। ओके, फाइनेंशियल ईयर में एक बार स्कीम प्रिफरेंस को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि कंडीशंस ऑफ पार्शियल विथड्रॉल फ्रॉम टायर वन अकाउंट। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हम है, हम कब पार्शियली हम विथड्रॉ कर सकते हैं हमारा टायर वन अकाउंट से, क्योंकि टायर टू अकाउंट में जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे कभी भी हम विथड्रॉ कर सकते हैं, मगर टायर वन अकाउंट मेन अकाउंट है तो उससे हम कब पार्शियल विथड्रॉ करेंगे। व्हाट आर द कंडीशंस टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम टायर वन अकाउंट बेसिकली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यहाँ पर जो कंडीशंस है, सब्सक्राइबर शुड बी इन एनपीएस एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स। तो आपको जो सब्सक्राइबर एनपीएस में एटलीस्ट 3 ईयर्स होना चाहिए। ओके, पहला 3 साल के अंदर हम पार्शियल विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या है, विथड्रॉल अमाउंट विल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द सब्सक्राइबर। जो हमारा शेयर है, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि हमारा जो शेयर है वो बेसिक पे प्लस डीए का 10% होता है और उतना ही शेयर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है, ओनली हमारा शेयर का हम मैक्सिमम एक बार मैक्सिमम हम 25% विथड्रॉ कर सकते हैं। और एक बार बता रहा हूँ, हमारा शेयर से, गवर्नमेंट शेयर से नहीं, हमारा शेयर से हम मैक्सिमम 25% विथड्रॉ कर सकते हैं एक वन टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट वन, विथड्रॉल कैन हैपन मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स ड्यूरिंग द एंटायर टेन्योर ऑफ सब्सक्रिप्शन। जो हमारा पूरा सर्विस कैरियर है उसमें हम 3 बार मनी पार्शियली हम मनी विथड्रॉ कर सकते हैं, कितना बार, 3 टाइम्स पूरा सर्विस कैरियर में। तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि कितना गैप रहेगा, सपोज 3 टाइम्स तो हम विथड्रॉ कर सकते हैं, मगर जो जो जब जब हम विथड्रॉ करेंगे उसमें टाइम गैप क्या रहेगा, आगे में मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी, टाइम गैप 5 ईयर्स रहेगा। ओके, बेसिकली टाइम गैप इज 5 ईयर्स फॉर ईच
withdrawal, but in case of severe illness condition it is not applicable. तो जो हमको जो हम एंटाइटल है तीन बार हम पार्शियली विथड्रॉ कर सकते हैं, मगर जो तीन बार हम पार्शियली विथड्रॉ करेंगे उसमें गैप कैसे रहेगा, 5 ईयर्स रहना चाहिए. मगर जब सीवियर इलनेस होगा तब उस समय वो 5 ईयर्स जो गैप रहेगा ईच विथड्रॉन जो टाइम में, तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा. विथड्रॉल हम कब कर सकते हैं? विथड्रॉल इज अलाउड ओनली अगेंस्ट द स्पेसिफाइड रीजंस, हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस. इसी कंडीशन में हम पार्शियल विथड्रॉल के लिए हम अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है, अदर कंडीशन हमको पर्पोज देना है, फॉर व्हाट पर्पोज वी वांट टू विथड्रॉ मनी. ओके, एंड इन दीज कंडीशंस ओनली वी कैन विथड्रॉ मनी. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन सुपर अन्वेषण, जस्ट हम देखेंगे कि रिटायरमेंट के टाइम में हमको क्या क्या बेनिफिट प्राप्त होता है. एट द रिटायरमेंट टाइम व्हाट टाइप ऑफ बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. व्हेन अ सब्सक्राइबर रीचेस द एज ऑफ सुपर अन्वेषण और अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ एज, ही और सी विल हैव टू यूज एटलीस्ट 40% ऑफ द एक्युमुलेटेड पेंशन कर्पस टू परचेज एन एनुइटी दैट वुड प्रोवाइड ए रेगुलर मंथली पेंशन. द रिमेनिंग फंड्स कैन बी विथड्रॉन एज लमसम. जो कंडीशन है सुपर अन्वेषण टाइम में, हमारा 60% जो जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका 60% हम विथड्रॉ करेंगे और एटलीस्ट 40% हम एक्युमुलेटेड पेंशन के लिए उसको इपिन सम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ही और सी विल हैव टू यूज एटलीस्ट 40% ऑफ द एक्युमुलेटेड पेंशन कर्पस टू परचेज एन एनुइटी. हमको एटलीस्ट 40% एनुइटी के ऊपर हमको इन्वेस्ट करना है जिसमें हमको पेंशन प्राप्त होगा. तो बाकी जो 60% है हम विथड्रॉ कर सकते हैं, लॉन्गसम आकर में विथड्रॉ कर सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो 40% फंड किस में इन्वेस्ट होगा? एनुइटी शेयर्स में इन्वेस्ट होगा पेंशन के लिए, और उसमें हमको पेंशन प्राप्त होगा. और जो 60% हमारा जो टोटल शेयर है रिटायरमेंट के टाइम में, तो 60% हम लॉन्गसम के आकार में विथड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, इफ द टोटल एक्युमुलेटेड पेंशन कर्पस इज लेस देन और इक्वल टू ₹2 लाख, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. सपोज हमारा जो टोटल कर्पस फंड है 2 लाख है कि 2 लाख से कम है, तब हम उसको 100% लॉन्ग सम को हम विथड्रॉ कर सकते हैं. वहाँ पर कोई एनुइटी शेयर्स के ऊपर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे. तो इसको याद रखना है, इफ द टोटल एक्युमुलेटेड पेंशन कर्पस इज लेस देन और इक्वल टू ₹2 लाख, सब्सक्राइबर कैन ऑप्ट फॉर 100% लॉन्ग सम विथड्रॉल. उसको 100% वो लॉन्ग सम विथड्रॉल कर सकता है. जैसे हमारा जो टोटल एक्युमुलेटेड कर्पस फंड जब 2 लाख और 2 लाख से कम होगा, तब हम 100% लमसम को विथड्रॉल कर सकते हैं. अदरवाइज हम क्या करेंगे ना, 40% जो हमारा कर्पस फंड है, जो एक्युमुलेटेड फंड है, उसका 40% हम एनुइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करके पेंशन हमको मिलेगा, और हम 60% उसका 60% को हम विथड्रॉ कर सकते हैं. अब ये चलेंगे प्री मैच्योर एग्जिट. जैसे रिटायरमेंट एज नहीं आया है, उसके पहले हम एनपीएस से एग्जिट करना चाहते हैं, तो क्या फैसिलिटीज है? इन केस ऑफ प्री मैच्योर एग्जिट, एग्जिट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपर अन्वेषण और अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम एनपीएस, एटलीस्ट 80% ऑफ द एक्युमुलेटेड पेंशन कर्पस ऑफ द सब्सक्राइबर हैज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर परचेज ऑफ एन एनुइटी दैट विल प्रोवाइड ए रेगुलर मंथली पेंशन. द रिमेनिंग फंड्स कैन बी विथड्रॉन एज लमसम. तो इसमें क्या है, जब प्री एग्जिट हम करेंगे, बिफोर 60 एज में हम विथ एनपीएस एग्जिट करेंगे, तो उस समय क्या होगा, जितना हमारा एक्युमुलेटेड फंड होगा उसका 80% हम एनुइटी शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और हमको पेंशन मिलेगा. मगर पेंशन मिलेगा आफ्टर 60. सपोज आपको 55 एज है कि 56 एज है, आप क्विट कर लिया, उस समय इमीडिएटली आपको पेंशन नहीं मिलेगा, आफ्टर 60 आपको पेंशन मिलेगा. मगर कंडीशन क्या है, प्री एग्जिट कंडीशन में हमको हमारा जो एक्युमुलेटेड फंड है, हमारा जो कर्पस फंड है, उसका 80% हमको एनुइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना है, और हमारा जो एक्युमुलेटेड फंड है उसका 20% हम विथड्रॉ कर सकते हैं. मगर हमारा सुपर अन्वेषण के टाइम में क्या था, रिटायरमेंट के टाइम में 60% हम विथड्रॉ करेंगे, 40% हम एनुइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे. मगर यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर जो सिनेरियो है वो डिफरेंट है. प्री एग्जिट केस में 80% ऑफ द कर्पस फंड शुड बी इन्वेस्टेड ऑन एनुइटी एंड द एम्प्लॉई कैन विथड्रॉ ओनली 20% ऑफ द कर्पस फंड. ओके, कर्पस फंड का 20% वो विथड्रॉ कर सकता है, और जो 80% है एटलीस्ट डेफिनेटली, ओके, 80% मस्ट बी इन्वेस्टेड ऑन एनुइटी फॉर पेंशन. और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेंशन जो प्राप्त होगा वो
रिटायरमेंट एज के बाद होगा। आप पहले को क्विट कर लिया मगर 60 आफ्टर एज 60 द पर्टिकुलरली एम्प्लॉय विल बी एंटाइटल फॉर पेंशन। मगर यहाँ पर जो एग्जिट का ऑप्शन है वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाउएवर यू कैन एग्जिट फ्रॉम एनपीएस ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद आप एग्जिट प्री जो ये जो एग्जिट ऑप्शन है एग्जिट आप कर सकते हो। देन डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, द एंटायर एक्युमुलेटेड पेंशन कॉर्पस वुड बी पेड टू द नॉमिनी और लीगल हेयर ऑफ द सब्सक्राइबर। डेथ होने से क्या है, जो 100% कॉर्पस फंड है वो नॉमिनी और लीगल हेयर को दिया जा सकता है। मगर अभी जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो उसको डेथ पेंशन, जो CCS ओल्ड पेंशन था सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1972, जो ओल्ड पेंशन के आकार में अभी उसको पेंशन प्राप्त होगा। क्लियर? तो वहां पर ऑप्शन रहेगा कि आपका जो एक्युमुलेटेड फंड है आप पूरा विथड्रॉ कर सकते हो कि सपोज आपको ऑप्ट करना है। ओके, तो अभी जो गेजेटेड जो नोटिफिकेशन है वहां पर क्लियर मेंशन है, कोई एनपीएस सब्सक्राइबर बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉई उसका डेथ होता है तो उसको पुराना पेंशन जो है CCS पेंशन रूल्स 1972 के हिसाब से उसको पेंशन प्राप्त होगा। अदरवाइज ये जो ऑप्शन है, द एंटायर एक्युमुलेटेड पेंशन कॉर्पस वुड बी पेड टू द नॉमिनी और लीगल हेयर ऑफ द सब्सक्राइबर। कंटिन्यूएशन ऑफ एनपीएस अकाउंट, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है कि हम रिटायरमेंट के बाद उसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, हमारा एनपीएस अकाउंट को हम कर सकते हैं अप टू 70 ईयर्स तक। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, सब्सक्राइबर कैन कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट एनपीएस अकाउंट बियॉन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स और सुपर एनुएशन अप टू 70 ईयर्स। दिस कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड 60 इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर एक्सक्लूसिव टैक्स बेनिफिट्स अंडर एनपीएस। तो हम रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं मगर अप टू 70 ईयर्स। इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर भी जैसे एज यूजुअल मैनर टैक्स बेनिफिट प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम थोड़ा डिफरमेंट के ऊपर आएंगे, एनुइटी एज वेल एज लॉन्गसम अमाउंट। सब्सक्राइबर कैन डिफर विथड्रॉल एंड स्टे इन्वेस्टेड इन एनपीएस अप टू 70 ईयर्स ऑफ एज। जैसे रिटायरमेंट के बाद हम क्या करते हैं, जो ऑप्शन है एटलीस्ट 40% हम एनुइटी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे पेंशन के लिए, 60% हम विथड्रॉ कर सकते हैं, 60% ऑफ द कॉर्पस फंड जो एक्युमुलेटेड फंड है हम विथड्रॉ कर सकते हैं। मगर यहाँ पर ऑप्शन है सपोज हम उसको डिफर कर दिया, हम अभी 60% लॉन्ग सम को सपोज विथड्रॉ नहीं किया तो उसको क्या होगा ना, सब्सक्राइबर कैन डिफर, कब तक वो डिफर हो सकता है ना, 70 ईयर्स ऑफ एज तक। सब्सक्राइबर कैन डिफर विथड्रॉल एंड स्टे इन्वेस्टेड इन एनपीएस अप टू 70 ईयर्स ऑफ एज। सब्सक्राइबर कैन डिफर ओनली लॉन्ग सम विथड्रॉल, डिफर ओनली एनुइटी और डिफर बोथ लॉन्ग सम एज ऑलवेज एनुइटी। तो दोनों इसमें क्या है, जैसे ऑप्शन है रिटायरमेंट के बाद हम हमारा एटलीस्ट 40% को एनुइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और 60% हम विथड्रॉ कर सकते हैं, मगर डिफर हम दोनों को कर सकते हैं। अभी हम चूज नहीं करेंगे कि हम 40% एनुइटी शेयर के ऊपर अभी हम चूज नहीं करेंगे, उसको हम डिफर करेंगे। अभी हमारा जो 40% अभी जो एनुइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होना चाहिए वो अभी डिफर होकर रहेगा, बस स्थगित रहेगा, अभी हम नहीं करेंगे। कि ऑप्शन हो सकता है हम जो लॉन्ग सम 60% विथड्रॉ करेंगे अभी हम विथड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है, और डिफर बोथ बोथ को कर सकते हैं। जैसे हम 40% को कॉर्पस फंड के ऊपर हम 40% कॉर्पस फंड को एक्युमुलेटेड फंड को हम एनुइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं उसको डिफर करेंगे, और लॉन्ग सम जो 60% हम विथड्रॉ करना है हमको उसको भी डिफर हम कर सकते हैं। तो डिफरमेंट ऑप्शन है मगर अप टू 70 ईयर्स तक। नेक्स्ट एग्जिट क्लेम आईडी एंड इट्स रिलेवेंस। एग्जिट क्लेम, जब हम एग्जिट करते हैं क्लेम आईडी एक हमको कैसे हम क्लेम आईडी, बिना क्लेम आईडी से हम मनी विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में। इन केस ऑफ सुपर एनुएशन क्रा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी क्रा जनरेट्स ए क्लेम आईडी 6 months प्रायर टू द डेट ऑफ सुपर एनुएशन और 60 ईयर्स ऑफ एज। मैंने उसका 6 महीने पहले जो रिटायरमेंट एज है उसका 6 महीने पहले एक क्लेम आईडी ओके क्रा उसको जनरेट करेगा। क्लेम आईडी इज इंटीमेटेड टू द सब्सक्राइबर वाइट्स ईमेल्स लेटर्स एसएमएस। तो जो रिटायरमेंट जिस एम्प्लॉय का होगा उसके 6 months बिफोर क्या करेगा, क्रा एक क्लेम आईडी जनरेट करेगा और उसको सब्सक्राइबर का ईमेल लेटर एसएमएस में उसको भेजा जाएगा। इंटीमेशन ऑफ क्लेम आईडी एनेबल सब्सक्राइबर 6 months बिफोर टू मेक एनी चेंजेस। उसमें भी हम चेंज कर सकते हैं, हमारा डेट ऑफ बर्थ एड्रेस उसमें भी हम कुछ चेंज कर सकते हैं। इन हीज और हर एनपीएस अकाउंट बिफोर इनिशिएटिंग विथड्रॉल रिक्वेस्ट। तो विथड्रॉल रिक्वेस्ट कैन नॉट बी रेज्ड विदाउट जनरेशन ऑफ क्लेम आईडी। तो हम विथड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं जब तक हमारा क्लेम आईडी जनरेट नहीं हुआ है। तो जो सुपर एनुएशन टाइम में रिटायरमेंट टाइम में तो जस्ट 6 months बिफोर द रिटायरमेंट एज तो क्लेम आईडी एक्चुअली जनरेटेड बाय द क्रा
एंड इट मस्ट बी इन्फॉर्म टू द एम्प्लॉय। एंड उसी टाइम में हम हमारा एड्रेस ये सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम बिना क्लेम आईडी से हम विथड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ प्री मैच्योर एग्जिट द सब्सक्राइबर नीड्स टू कॉन्टैक्ट द POP पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। मैं बार बार बताया कुछ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उसके बाद में मैं इसके ऊपर 8 मिनट्स लिख चुका हूँ, उसको थोड़ा हम क्लैरिफाई करेंगे। मगर यहाँ पर मैं बोलता हूँ जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर्स है वहाँ पर हम NPS के लिए अप्रोच करते हैं। जैसे बेसिकली ये हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, अदर लोगों के लिए है, क्योंकि अदर लोगों के लिए वो फ्री है NPS। May 1, 2009 से हमको मालूम है, इट मीन्स ऑल सिटीजन्स आर एंटाइटल्ड फॉर NPS फ्रॉम May 1, 2009। तो उनके लिए क्या है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वहाँ पर वो अप्रोच करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई NPS अकाउंट ओपन करेंगे वो। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है द सब्सक्राइबर नीड्स टू कॉन्टैक्ट द POP फॉर जनरेशन ऑफ क्लेम आईडी फॉर विथड्रॉल ऑफ NPS फंड्स। ओके, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, जो अदर जो सिटीजन्स है वो NPS किया है, तो वो जाकर POP सर्विस प्रोवाइडर जहाँ पर होते हैं, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर वो जाकर उनको रिक्वेस्ट करेंगे क्लेम आईडी बनाने के लिए। तो जनरेशन ऑफ क्लेम आईडी इज नॉट रिक्वायर्ड इफ विथड्रॉल रिक्वेस्ट इज इनिशिएटेड बाय POP। ऑटोमेटिकली पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो सर्विस प्रोवाइडर है, यदि वो ऑटोमेटिकली क्लेम आईडी को जनरेट करता है, तो उसमें हमको विथड्रॉल के लिए हमको रिक्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। जनरेशन ऑफ क्लेम आईडी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेथ ऑनलाइन विथड्रॉल रिक्वेस्ट। POP कैन डायरेक्टली रेज द विथड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर डेथ केसेस। ऑटोमेटिकली डेथ केस में ऑटोमेटिकली पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर क्लेम आईडी जनरेट करता है और उसको नॉमिनी को इन्फॉर्म करता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 100% विथड्रॉल इन केस ऑफ सुपर एनुएशन एंड प्री मैच्योर एग्जिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हम 100% विथड्रॉल कर सकते हैं, उसके लिए कोई कुछ लिमिट है। जैसे बताया इन केस ऑफ सुपर एनुएशन, ये सब्सक्राइबर कैन क्लेम 100% विथड्रॉल इफ द टोटल एक्युमुलेटेड कॉर्पस इज लेस देन और इक्वल टू ₹2 लाख एट द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन और अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। ये बोल चुका हूँ, यदि सुपर एनुएशन टाइम में, रिटायरमेंट टाइम में जो टोटल एक्युमुलेटेड फंड है, कॉर्पस फंड है, वो 2 लाख है और 2 लाख से कम है, तब सब्सक्राइबर 100% विथड्रॉल उसको कर सकता है। और अदर केस में बताया मैं, हम 40% एनुइटी शेयर, एटलीस्ट 40% हम एनुइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और 60% लम सम को हम विथड्रॉ कर सकते हैं। मगर यहाँ पर क्या है, जब हमारा टोटल कॉर्पस फंड सुपर एनुएशन टाइम में, यदि हमारा टोटल कॉर्पस फंड 2 लाख और 2 लाख से कम है, तब हम 100% विथड्रॉ कर सकते हैं, इसको याद रखना है। प्री मैच्योर एग्जिट में वैसा ही, इफ टोटल एक्युमुलेटेड कॉर्पस इज लेस देन और इक्वल टू ₹1 लाख। प्री मैच्योर एग्जिट में क्या है, यदि कोई सब्सक्राइबर का टोटल एक्युमुलेटेड कॉर्पस फंड 1 लाख होगा और 1 लाख से कम होगा, तब वो 100% विथड्रॉ कर सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी मेंशन कर दिया, यू कैन एग्जिट फ्रॉम NPS ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स। थोड़ा टैक्स बेनिफिट के ऊपर जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन, जैसे मैं बता चुका हूँ कि हमारा जो सैलरी का बेसिक जो DA दोनों ऐड होता है, और मेडिकल प्रोफेशन के लिए नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस ऐड होता है। मगर जनरल हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर जाएंगे, उनका जो बेसिक प्लस DA है उसका 10% हम कंट्रीब्यूट करते हैं, जो बेसिकली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। तो वो जो कंट्रीब्यूशन 80 CCD 1 में आता है, और 80 CCD 1 किसके अंदर आता है, ATC जो 1.50 लाख बा 1.5 लाख का जो हमारा सेविंग के लिए टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, उसी में जाएगा सेक्शन 80C में, क्योंकि सेक्शन 80C में हमको 1.5 लाख हमको सेविंग दिखाना है। वही 80C के अंदर एक सेक्शन है 80 CCD 1, जो हमारा जो 10% कंट्रीब्यूशन होता है, आपको याद रखना है, वही 1.5 लाख के अंदर वो जाएगा। ओके, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेक्शन 80 CCD 1 है, वो बेसिकली एम्प्लॉय का शेयर, ठीक है, एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अप टू 10% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस DA विद इन द ओवरऑल सीलिंग ऑफ ₹1.50 लाख अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो उसमें क्या है, जो 80C के अंदर हमको 1.5 लाख का सेविंग दिखाना है, इसके ऊपर पूरा टैक्स एग्जेम्पशन होता है, उसी के अंदर एक सेक्शन है 80 CCD 1, जो ये शेयर होता है, शेयर ऑफ द एम्प्लॉय, ये शेयर ऑफ द एम्प्लॉय जो हमारा शेयर, उसी 1.5 लाख के अंदर आता है, और 80C के अंदर 80 CCD 1 है। अदर सेविंग्स है, LIC सेविंग्स की, PLI जो भी आप देखा सकते हो, मगर उसी के अंदर 80 CCD 1 है, जो एम्प्लॉय का शेयर होता है उसी में इंक्लूड होगा।
फिर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2015-16 सब्सक्राइबर विल बी अलाउड टैक्स डिडक्शन इन एडिशन टू द डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80CCD 1 फॉर कंट्रीब्यूशन इन हिज एनपीएस अकाउंट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹50,000 अंडर सेक्शन 80CCD 1B। 80CCD 1B में कोई भी, ये जो 80CCD 1 है वो बेसिकली एम्प्लॉय का शेयर है, ओके। अदरवाइज जो 80CCD 1B है वो 1.5 लाख के बाद जो नॉर्मल सिटीजन्स जो एनपीएस करते हैं, बेसिकली हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी कर सकते हैं वो 50,000 एक्स्ट्रा, तो वो 1.5 लाख के बाद हम 50% इन्वेस्ट करेंगे तो तब हमको एक्स्ट्रा 50,000 के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलेगा, टैक्स एग्जम्पशन लिमिट मिलेगा। इट मीन्स 1.5 लाख चला गया तो उसके जो 80C में के अंदर 1.5 लाख का सेविंग बेनिफिट मिलता है, उसी के अंदर हमारा शेयर आ जाता है एम्प्लॉय का शेयर, तो वो 80CCD 1 हो गया। 80CCD 1B क्या है, 1.5 लाख के बाद हम 50,000 यदि हम खुद वॉल्यूंटरली हम ओके 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो वो बेनिफिट मिलेगा 1.5 लाख के बाद, और वो कौन सा सेक्शन में आएगा, 80CCD 1B। ये सबके लिए ओपन है, ये बेसिकली हमारे लिए होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होगा और अदर सिटीजन्स जो एनपीएस करते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट वन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के ऊपर आएंगे, जो एम्प्लॉयर जो हमारा 10% बेसिक प्लस डीए का 10% हमारा जाता है उतना ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के ऊपर आएंगे अप टू 10%। भाई हमारा 10% डेबिट होता है और 10% हमको गवर्नमेंट देता है, तो अप टू 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए अंडर सेक्शन 80CCD 2 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, जो गवर्नमेंट शेयर होता है अंडर सेक्शन 80CCD 2 में वो आएगा, जो गवर्नमेंट शेयर वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट माइनस होगा, तो वो 80CCD 1 जो हमारा शेयर है वो 1.5 लाख के अंदर आ गया, जो 1.5 लाख कॉमन सेविंग होता है 80C के अंदर आ गया। उसके बाद 80CCD 1B हम एक्स्ट्रा वॉल्यूंटरली हम 50,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 80CCD 1B में आएगा, तो वहाँ पर 2 लाख हो गया, 1.5 लाख नॉर्मल सेविंग जो होता है उसमें आ गया और एक्स्ट्रा 50,000 आ गया। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट शेयर है वो 80CCD 2 में आएगा और वो डायरेक्टली एग्जम्प्ट होता है। दिस रिबेट इज ओवर एंड अबव सेक्शन 80C, क्योंकि सेक्शन 80C हमारा जो सेविंग होता है 1.5 लाख का, उसी के अंदर 80CCD 1 होता है, 80CCD 1 जो होता है वो बेसिकली एम्प्लॉय का शेयर होता है, ठीक है। उसके बाद 80CCD 2 में वो गवर्नमेंट शेयर डायरेक्टली माइनस होगा, इट इज़ ओवर एंड अबव 1.5 लाख ऑफ 80C। 80C में अंक के अंदर जो 1.5 लाख सेविंग होता है उसी में हमारा शेयर चला गया 80CCD 1 में, जो 80CCD 2 होगा वो उसके बाद में होगा, गवर्नमेंट शेयर डायरेक्टली वो माइनस होगा। और जो पार्शियल विथड्रॉल, जैसे मैं बताया हमारा टोटल सर्विस कैरियर में हम 3 बार पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हैं, रीजन भी बताया कौन सा टाइम में कौन सा पर्पोज के लिए हम विथड्रॉ करेंगे, उसमें पूरा टैक्स फ्री है। जो एक बार हम 25% मैक्सिमम 25% हमारा शेयर के हम विथड्रॉ करेंगे उसके ऊपर पूरा टैक्स फ्री है। लॉन्ग सम विथड्रॉल जैसे रिटायरमेंट के टाइम में, इन केस ऑफ सुपर एडमिशन 60% ऑफ द टोटल कॉर्पस कैन बी विथड्रॉन इज टैक्स फ्री वन। जो हम जानते हैं रिटायरमेंट के टाइम में हमारा जो लॉन्ग सम अमाउंट होता है, जो एक्युमुलेटेड अमाउंट होता है उसका 60% हम 60% लॉन्ग सम को हम विथड्रॉ कर सकते हैं, वो पूरा टैक्स फ्री होगा। और जो 40% एनुइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा वो भी टैक्स फ्री होगा, मगर जो 40% इन्वेस्ट होगा एनुइटी शेयर के ऊपर जो हमको पेंशन मिलेगा, जो पेंशन मिलेगा वो इनकम में चला जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। वही चीज़ें, पेंशन रिसीव्ड आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एनुइटी इज ट्रीटेड एज इनकम एंड विल बी टैक्स अकॉर्डिंगली। देन पार्शियल विथड्रॉल के बारे में बताएंगे, टैक्स बेनिफिट्स ऑन पार्शियल विथड्रॉल, सब्सक्राइबर कैन पार्शियली विथड्रॉल फ्रॉम एनपीएस टायर वन अकाउंट बिफोर द एज ऑफ 60 फॉर स्पेसिफाइड पर्पजेस अकॉर्डिंग टू द बजट 2017। अमाउंट विथड्रॉन अप टू 25% ऑफ द सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मैं बता चुका हूँ जो हम पार्शियल विथड्रॉल करते हैं, एक बार हमारा टोटल सर्विस कैरियर में 3 बार हम विथड्रॉ करेंगे और एक बार हमारा शेयर का 25% हम विथड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर पूरा टैक्स फ्री होगा। तो टायर टू अकाउंट में, जैसे मैं बार बार बताया कि टायर वन अकाउंट है तो आप टायर टू अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है, कभी भी हम पैसा मनी को विथड्रॉ कर सकते हैं और उसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। देर इज नो टैक्स बेनिफिट ऑन इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स टायर टू एनपीएस अकाउंट। देन सब्सक्राइबर विथड्रॉ लॉन्ग सम अमाउंट इन फेज्ड मैनर। ये फेज्ड मैनर क्या है, जैसे हमारा रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट के बाद हम फेज्ड मैनर में मनी विथड्रॉ कर सकते हैं 10 इंस्टॉलमेंट्स, मैक्सिमम 10 इंस्टॉलमेंट्स में। वही है दिया है, फैसिलिटी ऑफ फेज्ड विथड्रॉल इज अवेलेबल फॉर एनपीएस सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स कैन ऑप्ट फॉर विथड्रॉल ऑफ लॉन्ग सम अमाउंट।
इन ए फेज मैनर अप टू 10 इंस्टॉलमेंट्स ओवर द पीरियड फ्रॉम 60 ईयर्स और एनी अदर रिटायरमेंट एज एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर टू 70 ईयर्स। तो रिटायरमेंट के बाद हम एंटाइटल है कि जितना एकुमुलेटेड फंड है उसका 60% हम लॉन्ग सम के आकार में विथड्रॉ कर सकते हैं, मगर हम विथड्रॉ नहीं करेंगे, फेज बाय फेज हम विथड्रॉ करेंगे, तो वो भी ऑप्शन है। 60 to 70 एज के अंदर हम मैक्सिमम 10 इंस्टॉलमेंट में वो हमारा जो लॉन्ग सम अमाउंट है एकुमुलेटेड फंड का 60% जो लॉन्ग सम अमाउंट को हम विथड्रॉ कर सकते हैं फेज मैनर में। However, subscriber has to buy annuity prior to phased withdrawal. Phased withdrawal के पहले हमको हमारा जो annuity share के ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि retirement time में हम क्या करेंगे ना, 40% हमारा जो accumulated fund है 40% उसका हम annuity share के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, जिसके ऊपर हमको पेंशन प्राप्त होगा, ठीक है। तो मगर phased withdrawal के पहले हमको चूज करना है कि कौन सा एनुइटी शेयर के ऊपर हमारा 40% वो इन्वेस्ट होगा और हमको पेंशन प्राप्त होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे। सब्सक्राइबर कैन नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ डिफरमेंट आफ्टर ऑप्टेनिंग द कंटिन्यूएशन ऑप्शन। यदि हम रिटायरमेंट के बाद कंटिन्यू ऑप्शन कर दिया, कंटिन्यू ऑप्शन मीन्स अप टू 70 ईयर्स तक कंटिन्यू ऑप्शन कर दिया, तब हमको कोई डिफरमेंट ऑप्शन प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। सब्सक्राइबर कैन नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ डिफरमेंट लॉन्ग सम एंड एनुइटी। हम डिफर कभी कर सकते हैं कि 60 एज के बाद हम डिफर कर सकते हैं, नहीं अभी हम हमारा एनुइटी शेयर हम जो 40% हमारा लॉन्ग सम अमाउंट हम जो इन्वेस्ट करेंगे एनुइटी शेयर के ऊपर हम थोड़ा उसको डिफर कर दिया, कि सपोज हम जो लॉन्ग सम अमाउंट को विथड्रॉ करेंगे 60% जो लॉन्ग सम अमाउंट को हम विथड्रॉ करेंगे उसको भी हम डिफर कर दिया, और दोनों को भी हम डिफर कर सकते हैं। मगर एक बार हम कंटिन्यूएशन को चूज कर लिया तब हम उसके बाद डिफर नहीं कर सकते हैं, वो 70 एज तक चलेगा। सब्सक्राइबर कैन कंटिन्यू टायर टू अकाउंट टिल द टाइम टायर वन अकाउंट इज एक्टिव ऑन। जब तक हमारा टायर वन अकाउंट एक्टिव है तब तक टायर टू अकाउंट चलता रहेगा। जब टायर वन अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, बंद हो जाएगा टायर वन अकाउंट, ऑटोमेटिकली टायर टू अकाउंट बंद हो जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जब तक टायर वन अकाउंट एक्टिव है तब तक हमारा टायर टू अकाउंट चलेगा, जब हमारा टायर वन अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा कि टायर वन अकाउंट बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली टायर टू अकाउंट बंद हो जाएगा और जो टायर टू अकाउंट में जो भी पैसा है आपका बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। वही चीज़ में लिखा, योर टायर टू अकाउंट विल ऑल्सो क्लोज वंस यू रिक्वेस्ट फॉर क्लोजर ऑफ टायर वन अकाउंट। यूनिट्स अंडर टायर टू अकाउंट विल बी रिडीम्ड एंड अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू योर गिवन बैंक अकाउंट। NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड जो PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो NPS का जो रेगुलेशन बॉडी है वो NSDL को पावर दिया है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के आकार में। आप जानते हो जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी वो होता है वही NSDL है, वो पूरा रिकॉर्ड रखता है, प्राण इशू करता है, ठीक है, पूरा डाटा सब्सक्राइबर का रखता है, ओके। तो वो कब फाउंड हुआ था ना, August 8, 1996। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, August 8, 1996। और NSDL क्या है ना, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, जिसको PFRDA जो रेगुलेटिंग बॉडी है NPS का, वो NSDL को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के आकार में रखा है NPS में। नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA रेगुलेटेड इंश्योरेंस कंपनीज उसके अंदर होते हैं विच आर एम्पैनल्ड बाई PFRDA टू प्रोवाइड एनुइटी सर्विसेज टू द NPS सब्सक्राइबर्स। जो हम रिटायरमेंट के टाइम हमारा 40% एटलीस्ट 40% एक्युमुलेटेड फंड को हम एनुइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, और सिमिलरली प्री एग्जिट हम करते हैं तो हमारा एक्युमुलेटेड फंड का 80% हम टोटल एक्युमुलेटेड फंड का 80% हम एनुइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो रिटायरमेंट के टाइम 40% एनुइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा, और प्री एग्जिट केस में 80% ऑफ द एक्युमुलेटेड फंड एनुइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा। तो यहाँ पर कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में है, उसी कंपनीज का एनुइटी शेयर के ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे। इनकेस द टोटल कॉर्पस इन द अकाउंट इज लेस दैन और इक्वल टू ₹1,00,000 आज ऑन द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, जब हम रेजिग्नेशन दे देते हैं तब हमारा सपोज एक्युमुलेटेड टोटल एक्युमुलेटेड अकाउंट अमाउंट जो टोटल कॉर्पस फंड 1,00,000 और उससे कम होगा तब सब्सक्राइबर उसको पूरा विथड्रॉ कर सकता है। इनकेस ऑफ टोटल कॉर्पस इन द अकाउंट इज लेस दैन और इक्वल टू ₹1,00,000 आज ऑन द डेट ऑफ रेजिग्नेशन द सब्सक्राइबर कैन अवेल द ऑप्शन ऑफ कंप्लीट विथड्रॉल कर सकता है, और ये टैक्स फ्री है। अदरवाइज क्या है, मैं बार बार बताया, सपोज हम रेजिग्नेशन दे दिया, हमारा कॉर्पस फंड एक्युमुलेटेड फंड मोर देन 1,00,000 है, तब क्या होगा, हम टोटल कॉर्पस फंड का 20% हम विथड्रॉ कर सकते हैं,
और जो बाकी 80% होगा वो अनुइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा, और हमको 60 एज जब होगा उसके बाद हमको पेंशन प्राप्त होगा, और ये भी टैक्स फ्री है, याद रखना है। जो 20% हम विथड्रॉ करेंगे जब रेजिग्नेशन दे दिया, 20% हम जो प्री एग्जिट केस में भी वही था, तो 20% हम विथड्रॉ किया उसके ऊपर टैक्स फ्री होगा, ठीक है। और जो 80% हम इन्वेस्ट करेंगे मगर वो 60 एज के बाद हमको पेंशन प्राप्त होगा, ठीक है। पेंशन विल बी अवेल्ड आफ्टर द एज ऑफ 60। ये जो गैप दे दिया जो, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंडीशंस था पार्शियल विथड्रॉल, तो पार्शियल विथड्रॉल हम 3 बार कर सकते हैं पूरा टोटल सर्विस कैरियर में, हम जानते हैं। और एक बार हमारा शेयर का मैक्सिमम 25% हम विथड्रॉ करेंगे, मगर जो पार्शियल विथड्रॉल होगा वो जो टाइम गैप कितना रहेगा, जो 3 बार हम विथड्रॉल करेंगे उसके बीच में कितना टाइम गैप रहेगा, वो 5 ईयर्स रहेगा। मगर जब एक सीवियर इलनेस कंडीशन में ये 5 ईयर्स एक्चुअली वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि बहुत कुछ रीजन्स है। हायर एजुकेशन के लिए हम विथड्रॉ कर सकते हैं, मैरिज के लिए विथड्रॉ कर सकते हैं, घर बनाने के लिए, हाउस बिल्डिंग बनाने के लिए हम विथड्रॉ कर सकते हैं, और इलनेस टाइम में हम विथड्रॉ कर सकते हैं, हमको पर्पज देना पड़ेगा। तो मगर ये जो प्रत्येक जो विथड्रॉल हम करेंगे जो 3 बार हमारा टोटल सर्विस कैरियर में, तो जो 3 बार विथड्रॉल होगा उसमें क्या गैप रहेगा, एक्चुअली 5 ईयर्स गैप है, मगर इन केस ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस एक्चुअली ये लागू नहीं होगा, 5 ईयर्स गैप लागू नहीं होगा। ऑन डेटेड 26 अगस्त 2016 इशूड बाई डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, द सेंट्रल गवर्नमेंट कवर्ड अंडर NPS आर एलिजिबल फॉर ग्रेचुइटी एंड डेथ ग्रेचुइटी। ये जो डेट है 26 अगस्त 2016 में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ओके इशूड दैट द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर NPS आर एलिजिबल फॉर ग्रेचुइटी एंड डेथ ग्रेचुइटी। तो ग्रेचुइटी डेथ ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल है ओके NPS सब्सक्राइबर्स, गवर्नमेंट NPS सब्सक्राइबर्स। और यहाँ पर एन्युइटी परचेज कैन बी डिफर्ड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। जैसे रिटायरमेंट हो गया, आपको एटलीस्ट 40% आपका कॉर्पस फंड को एन्युइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना है, हम जानते हैं उसको हम डिफर कर सकते हैं, सपोज स्थगित कर दिया, अभी हम एन्युइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये कितना साल तक, 3 ईयर्स के लिए हम डिफर कर सकते हैं मैक्सिमम, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। द सब्सक्राइबर हैज टू गिव इन राइटिंग एटलीस्ट 15 डेज बिफोर द अटेनमेंट एज ऑफ सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन जो रिटायरमेंट टाइम है उसके 15 डेज बिफोर हमको ये डिक्लेयर करना है कि रिटायरमेंट के बाद इमीडिएटली हम एन्युइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट हम नहीं करेंगे। जो हमारा एटलीस्ट है 40% कॉर्पस फंड हम एन्युइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उसको हम मैं डिफर करूंगा, और डिफर कितना समय तक तो कर सकते हैं, 3 ईयर्स के लिए। एंड द सेम शुड बी ऑथराइज बाय द एसोसिएटेड नोडल ऑफिसर इन द क्लास सिस्टम। इफ द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर अकर्स बिफोर सच ड्यू डेट ऑफ परचेज ऑफ एन एन्युइटी आफ्टर द डिफरमेंट, सपोज हम डिफर कर दिया रिटायरमेंट के बाद, हम हमारा जो एटलीस्ट 40% कॉर्पस फंड को हम एन्युइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना है मगर अभी इसको डिफर कर दिया, उसी केस में हमारा डेथ हो गया, देन एन्युइटी शैल मैंडेटोरीली बी परचेज्ड बाय द स्पाउस। जो हमारा स्पाउस है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो एन्युइटी को परचेज करेगा, एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करेगा। फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ अंडर NPS, मैं बार बार बता चुका हूँ कि अभी कोई NPS सब्सक्राइबर का डेथ होता है तो अभी उसको CCS पेंशन रूल्स 1972 के हिसाब से पेंशन प्राप्त होगा। इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ ए सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय NPS, फैमिली पेंशन इज अवेलेबल एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय CCS पेंशन रूल्स 1972। इफ द फैमिली मेंबर ऑप्ट्स फॉर फैमिली पेंशन एज पर रेगुलेशंस, ऑल द एक्युमुलेटेड वेल्थ शैल बी ट्रांसफर्ड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द नोडल ऑफिसर फॉर फर्दर सेटलमेंट एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। तो यहाँ पर क्या होगा, हम फैमिली पेंशन के लिए ऑप्ट किया है तो जो हमारा अकुमुलेटेड वेल्थ है वो ट्रांसफर हो जाएगा, नोडल ऑफिसर का बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद उसको वो सेटल करेगा। और थोड़ा पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस और सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बताया कि जैसे मई फर्स्ट 2009 एक्चुअली इसी डेट से सभी सिटीजन, कोई भी सिटीजन वो NPS में इन्वेस्ट कर सकता है, और सब कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर सिटी के हिसाब से होते हैं। आप उसमें जाओगे तो वो पूरा फॉर्मेलिटीज आपको बताएंगे, क्या क्या रिकॉर्ड आपको देना है, कैसे आप NPS अकाउंट ओपन करोगे ओके, और आपको प्लान इशू होगा, वो डिटेल्स बताएंगे भाई पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू रोल आउट द NPS फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 मई 2009, हेंस वेरियस फैसिलिटीज लाइक ओपनिंग परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट, कंट्रीब्यूटिंग टू NPS एटसेट्रा will be required to be provided to all the citizens known as subscribers in the NPS architecture at various locations across India. These processes shall be carried out through the entities known as points of presence.
तो ये जो पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस होते हैं वो कुछ एंटिटीज होते हैं, उसको पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी वो प्रोसेस को कैरी करने के लिए पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं सभी सिटी में। तो वहाँ पर जाके हम जो हमारा एनपीएस अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो पीओपी इज अपॉइंटेड बाय द पीएफआरडीए, पीओपी शैल प्रोवाइड द सर्विसेज अंडर एनपीएस थ्रू देयर नेटवर्क ब्रांचेस कॉल्ड पीओपी सर्विस प्रोवाइडर्स। जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस उसका ब्रांचेस होता है उसको बोलते हैं पीओपी सर्विस प्रोवाइडर्स, वो पूरा सर्विसेस देते हैं। तो ये पूरा एनपीएस के बारे में बताया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखिए, ठीक है। जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु। तो आगे मैं अच्छा अच्छा वीडियो में लाऊँगा, तो आज इतना ही है, थैंक यू।